अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सबा और आप देख रही हैं किचन विद सबा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मटन नहारी की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ मैंने नहारी बनाने के लिए 1 kg मटन लिया है और मटन मैंने बोन वाला लिया है। 1 tablespoon लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। 5 tablespoon मैंने नहारी मसाला लिया है, ये होममेड नहारी मसाला है, ये मसाला मैंने खुद तैयार किया है घर में। 1 प्याज लिया था जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 1 कप से थोड़ा कम मैंने आटा लिया है, आटे को तवे पे मैंने हल्का सा भून लिया था। ये आपको आटे का कलर चेंज नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा मैंने भून लिया था इसे। अदरक ली है गार्निशिंग के लिए, हरी मिर्च ली है, धनिया लिया है, ये तमाम चीजें मैंने गार्निशिंग के लिए ली है। टॉपिंग के लिए आपको पता है ये तो नहारी के लवाजमात है, इसके बगैर नहारी का कोई टेस्ट नहीं होता। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं मटन नहारी। यहाँ एक पतीले में मैंने 1 कप से थोड़ा ज्यादा ऑयल लिया है। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मटन डाल देंगे। यहाँ मटन को भून लेंगे तकरीबन 2 से 4 मिनट। फ्लेम मैंने इसकी मीडियम हाई रखी है। अब इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे। तमाम मटन को और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अब हम इसमें नहारी मसाला शामिल कर देंगे। तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट। यहाँ मटन को मैंने अच्छे से भून लिया है और जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है, ऑयल में निकाल लूंगी सारा। नहारी मसाले की रेसिपी बहुत इजी है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द नहारी मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। ऑयल सारा मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, इस ऑयल का यूज हम बाद में करेंगे। सारा ऑयल मैंने निकाल दिया था, थोड़ा सा ऑयल इसमें बाकी है। इस ऑयल को हम इसी पतीले में रहने देंगे मटन के साथ ही। अब इसमें मैं तकरीबन 6 ग्लास पानी शामिल कर दूंगी इसमें और इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे, ताकि मटन हमारा अच्छे से गल जाए। प्याज का इस्तेमाल हम करेंगे लास्ट में। प्याज को मैंने अभी ब्राउन नहीं किया, जब नहारी हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, गोश्त अच्छे से गल जाएगा, उसके बाद हम प्याज ब्राउन करके नहारी में डाल देंगे। मटन को गलने में तकरीबन 1 घंटा है, तब तक हम ये आटे वाला बैटर बना लेते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। एक कप पानी लिया है मैंने, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे को मैंने भून लिया था, नहारी में हमेशा से आटे को भून लेना चाहिए, नहीं तो जो आटे का कच्चापन होता है वो खत्म नहीं होता, थोड़ी सी उसकी स्मेल आती रहती है, उससे फिर नहारी का टेस्ट खराब हो जाता है। हमेशा से आटे को भून के इस्तेमाल करना चाहिए। ये आटे वाला मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, अब हम गोश्त गलने का इंतजार करते हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद। यहाँ 1 घंटा हो चुका है और ढक्कन मैंने हटा के चेक कर लिया था, गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें आटे वाला पेस्ट शामिल कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल करेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। आटा हमने इसमें शामिल कर दिया है, अब तकरीबन इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे 20 मिनट के लिए। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है,
अब हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। फ्लेम हमने लो रखनी है। यहाँ प्याज फ्राई हो चुका है, सारा प्याज हम डाल देंगे नहारी में। प्याज को मिक्स कर लेंगे। नहारी को हम मजीद पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। यहाँ नहारी को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और नहारी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है मटन नहारी की फाइनल लुक। ये देख सकते हैं आप भी कितने मजे की बनी है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बहुत सिंपल रेसिपी है मटन नहारी की। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।